इनके चले जाने के बाद भी इन्हें लोग रजनी के नाम से जानते हैं। असली नाम प्रिया तेंदुलकर। प्रिया तेंदुलकर दरअसल एक बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री थी जिन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में अच्छा खासा काम किया। उस वक्त मैं वहीं थी जब यह हादसा हुआ था और इंस्पेक्टर सूरज सिंह निर्दोष होते हुए भी पकड़ा गया। इनके पिता महान लेखक विजय तेंदुलकर। प्रिया तेंदुलकर की जिंदगी में जरा झांकते हैं और ये जानते हैं कि कैसे ये बनी इतनी मशहूर अभिनेत्री और क्यों बहुत ही कम उम्र में ये दुनिया छोड़ चल बसी। में इन्होंने पहली बार स्टेज पर कदम रखा था और वो नाटक था गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ हे वदन, जिसमें इन्होंने एक गुड़िया का किरदार निभाया था और इनकी साथी कलाकारा थी कल्पना लाजी। धीरे धीरे जब ये बड़ी हुई तब ये कभी 5 सितारा होटल की रिसेप्शनिस्ट बनी तो कभी एयर हॉस्टेस, कभी पार्ट टाइम मॉडल तो कभी न्यूज रीडर। इनका जन्म 1954 का रहा और 1974 के आते आते ये बनी एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें श्याम बेनेगल साहब ने अपनी फिल्म अंकुर में कास्ट किया। इसमें इन्होंने अनंतनाग साहब की भोली भाली प्रतिव्रता का किरदार निभाया था। इन्होंने बहुत सी मराठी फिल्मों में भी काम किया उसके बाद और इनके सामने एक्टर्स थे अशोक सर्राफ, रविंद्र महाजनी, महेश कोठारे और एक कन्नड़ा फिल्म जिसका नाम था मिंचना ओता। इसमें इनके हीरो थे अनंत नाग, जिसमें इन्होंने एक बड़ा ही जबरदस्त और सशक्त किरदार निभाया था। ये खबरें भी उस वक्त जोर मार गई थी कि शायद अनंत नाग साहब और प्रिया तेंदुलकर जी के बीच में रोमांस भी है। 1985 में इनकी किस्मत ने ऐसी बाजी पलटी कि इनका नाम ही रजनी हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मात्र 15 साल की उम्र में एक सिलाई मशीन का ऐड करने वाली ये लड़की आगे जाकर इतिहास रच देगी। 1985 में टीवी सीरियल आया रजनी, जिसे डायरेक्ट किया था करण राजदान ने। इस सीरियल में इन्होंने एक ऐसी घरेलू महिला का किरदार निभाया जो सामाजिक मुद्दों पर बात करती है, अन्याय के खिलाफ बड़े ही मनोरंजक तरीके से अपने कदम बढ़ाती है। फिर तो प्रिया तेंदुलकर का असली नाम लोग भूल गए और रजनी के नाम से ही ये मशहूर हो गईं। हालांकि उसके बाद गुलजार साहब की टीवी सीरीज स्वयं सिद्धा में भी ये नजर आई थीं, लेकिन रजनी की इमेज इनके साथ चिपक के ही रही। थिएटर, टीवी, फिल्म्स करते करते ये एक टेलीविजन शो की होस्ट भी बनी। नाम था प्रिया तेंदुलकर टॉक शो और जिम्मेदार कौन। इन्होंने कुछ मराठी कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया जो कि बहुत कामयाब रही थीं। नाम रहा मुंबई चा फौजदार और गोंधलत गोंधाल। रजनी टीवी सीरियल के डायरेक्टर करण राजदान से प्रिया तेंदुलकर की शादी हो गई। कुछ बरस तक ये लोग साथ रहे, लेकिन उसके बाद इनका तलाक हो गया। ये बात भी हैरान करेगी कि प्रिया तेंदुलकर और करण राजदान एक सीरियल में नजर आए थे, नाम था किस्से मियां बीवी के। इस सीरियल में ये दोनों मैरिज काउंसलर्स बने थे जो कि खराब होती शादियों को बचाने की कोशिश करते थे, पर असल जिंदगी में इनकी ही शादी ना टिक पाई। प्रिया तेंदुलकर ने ये बात साफ कर दी थी कि एक बार हम अलग हुए तो दोबारा कभी मिलेंगे नहीं, और जब तक प्रिया तेंदुलकर जिंदा रहीं करण राजदान से मिली नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा, मुझे तो कुछ नहीं होगा, आप तो खामखा। अफसोस की बात ये कि प्रिया तेंदुलकर बहुत ही कम उम्र में ये दुनिया छोड़ चल बसी। तारीख 19 सितंबर साल 2002। एक लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने ब्लड कैंसर से और फिर दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। इनके पिता विजय तेंदुलकर पूरी तरह से टूट गए थे क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उनके बेटे का भी निधन हो गया था। यकीनन ये एक त्रासद समय रहा। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में प्रिया तेंदुलकर का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।